हेलो गाइस, देखिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोले की रेसिपी। उसके लिए मैंने छोले उबाल के ले लिए हैं और ये मैंने दो बड़े आलू उबाल कर उनको मैश कर लिया है, और ये मैंने दो टमाटर काट लिए हैं और एक प्याज काट ली है, और ये मैंने हरा धनिया ले लिया है, और ये सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, और ये ले लिया है मैंने सौंठ। देखिए इनसे ही हम आज आपके अपने छोले बनाने वाले हैं। सबसे पहले आप गैस पे एक कढ़ाई रख लें, उसमें थोड़ा तेल डाल दीजिए, और जब तक हमारा ये तेल गर्म होता है हम इसमें एक चम्मच सूखा धनिया और कटी हुई प्याज डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसमें ये डाल दिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा जीरा डाल दूँगी, बहुत थोड़ा ज़ीरा इसमें मैं डाल दूँगी। ये देखिए इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए इस तरीके से हम हिलाते हुए इसको भून लेंगे। देखिए इस तरह से हिलाते हुए हम इसको भून लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हमने जो टमाटर जो काट के रखा हुआ था ना वो इसमें डाल देंगे। देखिए इसमें मैं वो टमाटर जो कटा हुआ रखा था वो मैं इसमें डाल दूंगी, और अभी मैं इसको और इस टमाटर को मैं गलाने के लिए इसमें एक चम्मच के करीब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, इससे जो ये हमारा टमाटर नरम हो जाएगा। ये देखिए अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे ढककर। ये देखिए इस तरीके से हम इसे 2 मिनट पका लेंगे, और अभी ये हमारा जो टमाटर है वो बहुत नरम हो गया है। अब इसको स्पैचुला की मदद से इस तरह से हम प्रेस करके इसको इस तरह से मैश कर देंगे। अभी जो आपके छोलों में कलर नहीं आता है वो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम जो हल्दी है वो बाद में डालते हैं, हमें हल्दी इस टाइम पे डालनी है इसमें, इससे हमारे छोले में जो आता है बहुत अच्छा कलर आता है। ये देखिए मैंने 2 चम्मच हल्दी इसमें डाल दी है मसाले में भूनते हुए। अभी हम इसमें मिर्च भी मैं अभी डाल दूँगी, आप इसकी जगह पर जो देगी लाल मिर्च होती है और कश्मीरी मिर्च होती है वो डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा कलर आता है हमारे छोले में। वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं सिंपल मिर्च इसमें डाल दूँगी 1/2 चम्मच। ये देखिए, और जो मैंने अभी इसको भूनने के बाद जो मैंने अभी प्यूरी बनाई थी ना उबले हुए आलू की, अभी मैं वो इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, और मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए ऐसे भून लूँगी। ये देखिए सभी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी इस तरह से चलाते हुए, और मैं इनको भून लूँगी। और अभी आप जितना पतला या गाढ़ा छोला खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। ये देखिए मैंने एक बाउल इसमें भर के पूरा पानी का डाल दिया है, देखिए इस तरीके से। और अभी जो मैंने छोले उबाल के रखे हुए थे ना वो भी इसमें डाल दूंगी, उनमें भी थोड़ा पानी है इसलिए मैंने थोड़ा ही पानी इसमें डाला है। देखिए मैं इसमें ये छोले अब डाल दूंगी। ये देखिए, और अभी इनको चलाते हुए घुमाते हुए पूरा इनको उबाल आने तक हम पकाएंगे। अभी मैं इसमें जो सौंठ थी ना वो जो सौंठ रखी थी वो सौंठ इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच, और फिर से इसको घुमा के इस तरह से मिक्स कर दूंगी। और अब मैं इसको इस तरह से खद्दा लग गया था इसमें अभी, और अभी मैं इसमें ढक के इसको 20 मिनट के लिए पका लूंगी। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। ये देखिए और ये पक चुका है। अभी देखिए हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से गल गई है, छोले भी बहुत अच्छे से हमारे इसमें मिक्स हो गए हैं। ये देखिए बहुत अच्छी सा कलर आ गया है, और बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हो गई है, और ये सर्व करने के लिए तैयार है। इसमें हरा धनिया डाल दीजिए, उसे सर्व कर दीजिए। ये देखिए, और अभी आप इसको सर्व कर दीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो ये देखिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।